भाई लोग देख सकते हो इधर का भी सीन ऐसा ही है, इधर प्रेस मीडिया रिपोर्टर लोग हैं और उधर पुलिस वगैरह जो कि मतलब कंट्रोल करने के लिए अब काफ़ी देर से खड़ी है भाई लोग। और मैं यही सोच के इधर आया था ताकि आप लोगों को दिख पाए कि क्या हो रहा है भाई पटना में, प्रोटेस्ट का सीन क्या हो रखा है। और देख सकते हो कि इधर पुलिस, मैं आपको आगे भी चल के दिखाता हूँ, देख सकते हो भाई लोग आप लोग। और उधर का भी सीन कुछ वैसा नहीं है, उधर भी एकदम नॉर्मल है, मतलब आज उतना रश भी नहीं है डाक बंगला में भाई जितना रहता है। जगह जगह पे एनटीपीसी का जो है रैली चल रहा है, थोड़ा हो रहा है बहुत जगह पे, जितना पार्टी पे हो रहा है। डाक बंगला पे अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा था लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको हटाया गया है। प्रशासन जो है सख्त है अभी, इसलिए जो है लोग अपना सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। बहुत लोग अरेस्ट भी हुआ है इसमें, और सरकार कितने लगभग कितने लगता है 15-20 स्टूडेंट आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ है कि यहाँ पे लाठी डंडा भी चला हो जिस प्रकार को 2-3 दिन पहले राजेंद्र नगर में चला था? लाठी डंडा तो नहीं चला है लेकिन अरेस्टिंग हुआ है। ओके, तो अरेस्टिंग यहाँ पे हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक बार फिर से आप सब पीछे थोड़ा घुमा कर दिखलाइएगा कि यहाँ पर प्रशासन है, बाकी यहाँ पे अगर स्टूडेंट की बात किया जाए तो स्टूडेंट नहीं है। प्रशासन पूरी मुस्तैद के साथ इस बार है क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले आप देखे थे कि राजेंद्र नगर टर्मिनल पर बड़े पैमाने पर आगजनी भी हुई थी और काफ़ी सारा ट्रेन का बोगी भी जलाया गया। इस बार भी सख्ती के साथ प्रशासन जो है दिख रहा है, जैसा कि आपके समझ दिख रहा होगा। यहाँ पे तो स्ट्राइक चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो आप यहाँ पे हम क्लास आए थे ग्रुप डी में जगह तो खड़ा हुआ। ओके, तो इससे पहले आप यहाँ पे देखे हैं कि कुछ देर पहले अरेस्टिंग भी यहाँ पे हुई है, लगभग कितने लड़का के अरेस्टिंग हुआ होगा? करीब करीब नेता के विधायक थे पालीगंज के। अच्छा, पालीगंज के संदीप सौरभ सब आए हुए थे? हाँ भाई, विधायक थे वो भी आए थे, उन सबका अरेस्ट कर लिया गया है। उन लोग का भी अरेस्ट किया गया? कहाँ के थाना लेकर गए उन लोगों? अभी तो सब कोतवाली थाना का है लेकिन वहाँ कंफर्म नहीं हुआ, कोतवाली थाना में हुआ है अच्छा, वो अभी कंफर्म नहीं कहाँ गया जी, लेकिन पूरा भीड़ था सबको जो है लेकर चला गया था। ओके, तो जैसा कि ये स्टूडेंट का भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कुछ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जो बेरोजगार है अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट के लिए बार बार आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, उनको भी शायद अरेस्ट किया गया। हम तो अभी देखे नहीं है, स्टूडेंट लोगों का कहना है कि तकरीबन 15 लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जो है उनको भी आई थिंक अरेस्ट किया गया है। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है शाम तक क्या लगता है कि सर शाम तक ये चलेगा? तो आज पूरा दिन भर चलेगा और आगे जब तक सरकार जो है सबूत नहीं देती है, लिखित कार्रवाई नहीं होता तब तक यार आंदोलन चलते रहे। सर एक मिनट देखिए, हम यहाँ पे तकरीबन स्टूडेंट से भी बात किए, टीचर से भी बात किए, कुछ हम प्रशासन लोग से भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम एक मिनट आप लोग बोलना चाहेंगे क्या? मैडम तो प्रशासन अब हम पुलिस से पूछना चाह रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से कोई किसी प्रकार के कमेंट देने से वो लोग मना कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार के कमेंट यहाँ पे देना नहीं चाहेंगे। ओके सर, तो आप देखते रहिए और मैं फिर से आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सो भाई लोग, देखा आपने कि किस तरह से मतलब रिपोर्टर लोग यहाँ पे पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और पुलिस से पूछा जा रहा है अगर प्रशासन बल से कुछ कमेंट्स करने के लिए, तो वो लोग सीधा भाई मुंह फेर ले रहे हैं। और यही सब हो रहा है पटना का सीन अपना, और देख सकते हो कि एनटीपीसी का आज प्रोटेस्ट है। और मुझे पता चला है यहाँ पे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है भाई अरेस्ट हुए हैं थोड़ी देर पहले और उन्हें कोतवाली थाना लेकर गया गया है, बट अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि उन्हें कोतवाली थाना के बाद कहाँ लेकर गया गया है। और यहाँ पे पुलिस लोग हैं बहुत सारे और बट किसी को कुछ बोलने का मतलब कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे ये भी भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी यूट्यूबर ही है कोई, मुझे मालूम नहीं है बट ये भी रिकॉर्ड है। और देख सकते हो कि किस तरह से पुलिस है भाई, और पुलिस का पिलियन हेलमेट का बात आता है भाई फिर से, ये देखिए सर हेलमेट नहीं पहने पीछे वाले। सो भाई इधर मतलब थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था बट पुलिस प्रशासन बल ने उसे कंट्रोल कर लिया, और अभी इधर कुछ नहीं है भाई, तो इधर खड़े रहने से अपने को कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इधर से हम लोग निकलते हैं और देखते हैं गांधी मैदान तरफ अगर कुछ हो रहा होगा तो उसका सीन कैप्चर करते हैं। तो चलो भाई लोग मिलते हैं आपसे डायरेक्ट आगे। तो भाई देख सकते हो कि सामने वाले इन पुलिस वाले ने भी हेलमेट नहीं पहना, मतलब भाई मैंने कल ही इस बात पर चर्चा की थी कि कोई हेलमेट नहीं पहनता है भाई लोग, और ये भैया का हेलमेट भी नहीं है और तो ये लोग कहीं और जा रहे हैं। आई गेस भाई कि कुछ हुआ है अनकंट्रोल, सो दंगा नियंत्रण वाहन उधर जा रहा है और इसके अंदर अरेस्ट करके ले जा रहा है भाई लोग, तो वैसा कुछ हुआ नहीं है बट इसके अंदर अरेस्ट हो गए। और कोई पुलिस वाला भाई हेलमेट पहन के नहीं नज़र आ रहा है इधर कहीं, जितने ही पुलिस वाले जा रहे हैं रॉन्ग लेन से जा रहे हैं और हेलमेट किसी ने नहीं पहना। तो भाई यही सब हो रहा है पटना का सीन, और सब पुलिस वाले उधर भाग रहे हैं, तो आई गेस उधर कुछ हुआ है। तो सो भाई लोग उधर कुछ वैसा हुआ नहीं था बट मतलब पुलिस वाले सब उधर ऐसे ही जा रहे थे, तो चलते हैं गांधी मैदान तरफ और उधर का क्या सीन है भाई लोग वो ये दिखाते हैं आपको।
क्योंकि इधर का तो वैसा कुछ नहीं है, अब धीरे धीरे पुलिस बल भी कम हो रही है और इधर वैसा कुछ भी नहीं है, तो देख सकते हो इधर वैसा कुछ नहीं है। और चलो आगे चलते हैं और आपको वहाँ का दिखाते हैं कि क्या हो रहा है भाई। और बिहार बंद का वैसा कुछ असर तो नहीं पड़ रहा है NTPC के द्वारा, जो मतलब बिहार बंद किया गया है। चलो तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं आज पूरा भाई, लेकिन बट न्यूज़ रिपोर्टर वाला फीलिंग आ रही है सब कवर करके, तो करना पड़ता है व्लॉग में लाऊंगा तो आप लोग को भी पता चलेगा कि क्या हुआ भाई NTPC में ये बिहार बंद में। तो चलो आगे चलते हैं उधर गांधी मैदान और उसके बाद फिर घर चलेंगे। चलो भाई लोग गांधी मैदान के पास चलते हैं और मिलते हैं। स्थगित कर दिया गया है तो आप गवर्नमेंट का जो रूल है वो तो जानते ही है, कमेटी आज बनती है तो 2 साल बाद 1 साल बाद का मिनिमम 6 महीना बाद ही उसका रिजल्ट आता है। तो हमें नहीं लगता है कि अभी NTPC तो छोड़ दीजिए ग्रुप डी का। मेरा नाम विक्की गोयल हुआ, ऐसे मैं पेशे से प्रेस रिपोर्टर भी हूँ और मैं तमाम भारत के बहुत सारे जगह पे जाकर रिपोर्टिंग भी कर चुका हूँ। देखिए हमारे साथ ऐसे मैं खुद NTPC का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो हमारी बस एक स्टूडेंट के नाते अगर मैं कहना चाहूँ तो हमारी बस मांग यही है कि सही प्रकार से जो किया रिजल्ट फिर से जारी किया जाए, रिवाइज जो किया जाए वो, और ग्रुप डी RRC का RRC ग्रुप डी का ये सब तो चीज़ें मान ली गई है कमेटी के द्वारा। और आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट भी थे क्या प्रोटेस्ट? हाँ स्टूडेंट थे, जिसमें हम तो सर लेट से आए हैं लेकिन कम ही हो गया। हाँ नहीं नहीं, कुछ देर पहले हम आए थे तो ये पूरा भरा हुआ था, जिसमें 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कुछ विधायक लोग भी है विपक्ष पार्टी के, जिसमें एक जैसा कि हमको मालूम चला है कि संदीप सौरभ जी हैं जो बार बार अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट का आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, तो उनको भी अरेस्ट किया गया है जहाँ तक हमको मालूम है सर। अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्टूडेंट की आड़ में राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेक रही है? यह पूरा 100% रोटी सेक रही है, क्योंकि लेकिन लेकिन नहीं नहीं, इससे राजनीतिक पार्टी को भी फायदा के साथ साथ स्टूडेंट को भी इससे फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी अगर रोटी सेक रही है तो उसे स्टूडेंट को अगर मजबूती मिल रही है तो स्टूडेंट को भी उससे जरूर कुछ ना कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। राजनीतिक पार्टियां अगर आना ही चाहती थी तो पहले भी आ सकती थी। हाँ, स्टूडेंट के लगभग हर मांग को मान लिया गया है तो इतना लेट क्यों आ रही है? देखिए राजनीतिक, अगर स्टूडेंट का साथ देना ही था तो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कराया गया था उस टाइम। वो सर बता दें कि 8 मिलियन ट्रेंड ट्विटर पर किया कराया गया था, तो उस समय ना ही सरकार सुनी और ना ही विपक्षी पार्टी सुनी, लेकिन आप तो जानते हैं कि अगर कोई फ्रंट पे स्टूडेंट आता है तो विपक्ष की पार्टी को रोटियां सेकने का मौका मिल जाता है, तो बस वही फायदा उठा रहे हैं विपक्षी पार्टी। और बस यही हम कहना चाहेंगे कि अगर विपक्ष की पार्टी को इससे फायदा हो रहा है तो स्टूडेंट को भी थोड़ा बहुत जरूर इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उनको पॉजिटिविटी तो कुछ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है किसी का। अरे सपोर्ट तो तब मिलता है ना जब स्टूडेंट की बातें नहीं मानी जाती है, स्टूडेंट के लगभग सब बातें मान ली गई है उसके बाद ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो अपनी रोटी सेकने का। देखिए आप कैसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट की बात मान ली गई है, ये आप कैसे कह रहे हैं? बताएं, नोटिस जारी कर दिया गया, आपको जॉब दे दिया गया, कोई लिखित प्रमाण मिला है क्या? बस लिखित यही ना कहा गया कि 5 लोगों का कमेटी बनाया गया है रेलवे की तरफ से, कहा गया है वो कमेटी एक निर्धारित समय है, 1 महीने में 2 महीने में 6 महीने में या फिर साल भर में उसका रिपोर्ट सौंपा जाएगा और उसके अंदर में एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा कुछ रिपोर्ट है, टाइमिंग है, आप दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि खान सर कल जो वीडियो एक जारी किए थे उसमें बताया गया था खान सर के द्वारा, और एज अगर रियन उनको सब स्टूडेंट मानते हैं और जब उनके द्वारा ही ये बात कही गई है कि कोई कल प्रोटेस्ट नहीं करेगा लगभग मान ली गई है, तो हम कह सकते हैं ना खान सर मान ली गई है, तो उसके बाद भी ये राजनीतिक पार्टियां का आना क्या दर्शाता है? देखिए खान सर अगर राजनीतिक मतलब ये सब स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका स्टूडेंट के कारण ही वो इतना पॉपुलर हुए हैं, तो वो अगर स्टूडेंट के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो खान सर पे भी FIR किया गया, जैसा कि आपको मालूम होगा कि तकरीबन 9 शिक्षकों के ऊपर FIR दर्ज किया गया, जिसमें खान सर है, प्रवीण सर है, नवीन सर है, बहुत तकरीबन पटना के 8-9 टीचर है, तो ये नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो भाई लोग हम भी इनसे कुछ बातें करते हैं। भैया आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका कुछ होगा? जरूर होगा, काहे नहीं होगा, अब जब इतना बड़ा राजेंद्र नगर में स्ट्राइक हुआ उसी के बाद ही तो रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और आज के बाद फिर में कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये एक बात बताइएगा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिहार बंद का ये स्टूडेंट्स के द्वारा, ये आपको क्या लगता है आपके नज़रिए से क्या ये सही है या फिर स्टूडेंट्स को इंतजार करना चाहिए? स्टूडेंट के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये सही है, स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहा है, और अगर टीचर पे जिस प्रकार से कार्रवाई किया गया प्रशासन की तरफ से वो हमें निंदनीय लगा, जैसा कि उनके 5-8 नेट
8-9 टीचर के ऊपर कार्रवाई किया गया है, FIR दर्ज किया गया है, तरह तरह का धारा लगाया गया है, तो ये बहुत गलत है। और आपको क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा जो बच्चों पर मतलब जो स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया गया वो सही था या गलत? एकदम गलत था, 100% गलत था। और स्टूडेंट में भी थोड़ी सी जरूर कमी थी, क्योंकि वह आगजनी नहीं करना चाहिए था और किसी भी पब्लिक जो प्लेस हो या फिर किसी भी सरकारी संपत्ति को नहीं क्षति पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो सारा पैसा फिर हम ही लोग को टैक्स के थ्रू इनडायरेक्ट तरीका से हम ही लोग से पैसा लेकर वहां पे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, तो फिर हम ही लोग को उससे क्षति होने वाला है। और राजेंद्र नगर टर्मिनल पे कुछ दिन पहले जो ये हुआ था उसके बाद भी ये होना, ये सही है कि गलत? देखिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जो हुआ काफी ज्यादा हुआ था, उसके बाद ही रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया, और जो आज जो बंदी किया गया है ये तमाम सारे पार्टी के तरफ से सपोर्ट, विपक्ष के पार्टी के तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद और स्टूडेंट के आपस में निर्णय लेने के बाद ये वो लोग निर्णय लिए। तो क्या लगता है ये जो बिहार बंद हुआ है इसका मतलब कब तक निर्णय देगा ताकि स्टूडेंट्स को भरोसा लगे? आपको देखने को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, शाम तक तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 8 मिलियन ट्यूट उसमें हुई थी, अगर सरकार उस दिन ये बात मान लेती तो ये जो नवा चार्ज हुई है वो नहीं मानती। लेकिन ये बात सही है कि सरकार की जो बहरी सरकार है उनको समझाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि 18 ये फरवरी से एग्जाम का शेड्यूल भी आ गया था, तो उसके लेके छात्र और वो आग में घिरने का काम किया है इस एग्जाम में। इस बार जो फॉर्म भरा है उसमें 1,25,00,000 फॉर्म भरा है, लेकिन सरकार कह रही है कि स्टूडेंट ज़्यादा है इसे 2 एग्जाम देंगे, तो जब 1,80,00,000 लोग आप एक एग्जाम ले सकते हैं तो 1,25,00,000 क्यों ले सकते हैं 2 एग्जाम? जब एग्जाम होने वाली है 23 फरवरी से एग्जाम होने, देखिए ये जो सरकार का कहना है ना कि स्टूडेंट को कम करने के लिए, ये कुछ नहीं है, ये इसलिए कर रही है कि 2 एग्जाम दे रही है, क्योंकि 2 एग्जाम देने से टाइम डिले होगा और 24 एग्जाम जाया जाएगा। सरकार की ओर से 1 वैकेंसी पर 2 चुनाव लग जाते हैं, 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें चुनाव हो गया, 2024 में सूची लगेगी इसमें चुनाव लगेगी, इसलिए बाकी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पे अपने एक स्टूडेंट मिल, तो भाई आप इस बार मतलब NTPC का एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं? नहीं, NTPC हम दे चुके हैं, उसका रिजल्ट भी आया है। तो उसमें आप में भी कुछ गड़बड़ी टाइप का जो भी जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? मेरा 70 मार्क्स था, रॉ मार्क्स था, नॉर्मल पटना मार्क्स था, नॉर्मल 73 मार्क्स दिया। तो आप आज प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए या फिर आप खान सर का बात सुने? आज के प्रोटेस्ट में कोई मतलब ही नहीं बनता, जब सरकार हमारी बात सुनने के तैयार हो गई तो हम प्रोटेस्ट में क्यों हिस्सा लेंगे? जी भाई, बहुत अच्छा लगा। और खान सर पर जो FIR हुआ है, जैसा कि बोला जा रहा है कि खान सर और 9 शिक्षकों पर FIR हुआ, आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल सही हुआ या फिर गलत हुआ? खान सर देखिए, कुछ यहाँ के जो DM है जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी पालन करना है, DM की भी जिम्मेदारी है कि सब जो रॉ एंड रूल इसको फॉलो करे, तो खान सर FIR हुआ। और यही बात है कि हम लोगों का बात जाएगा, खान सर जैसा टीचर नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, इसलिए उनपे FIR गलत है, उनको उनपे FIR वापस। और बोला जा रहा है कि खान सर ने मतलब स्टूडेंट को भड़काए हैं कि प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, सर अगर खान सर भड़काए होते तो पहले तो ट्विटर कैंपेन किए थे हम लोग, अगर सरकार उस दिन सुन लेती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। 8 लाख ट्विटर कैंपेन हुआ था, 8 लाख ट्विटर लोग ट्वीट किए थे उसमें, उसके बाद कोई सरकार उसमें बात नहीं सुनी। और इधर प्रशासन बल मतलब आप कितने देरी से इधर खड़े हैं ये बताइएगा? तो अभी आया था, मैं कल एग्जाम है सिजिल में, उसके मेरा एग्जाम है, तुम सिजिल मेंस का एग्जाम देने आए थे। और इधर प्रशासन बल द्वारा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है मतलब कुछ भी कार्रवाई होता हुआ? ऐसे किसी को लाठी चार्ज नहीं करेगी जब तक आप उग्र नहीं होगा, तो उग्र होना छात्र अगर आज उग्र हैं तो उग्र होने का पूरा श्रेय सरकार को जाती है, सरकार ही का उनका पूरा तैयारी है सरकार के द्वारा की गई, तो अच्छा ऐसे उग्र नहीं होता। ठीक है भैया, फिर तो भाई देखा आपने कि कैसा सीन हो रखा है पटना में, पूरा NTPC का जो है भाई बहुत ही मतलब तगड़ा वाला, बिहार बंद तो नहीं बोल सकते हैं बट यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रसित जो अभी जैसे हम एक स्टूडेंट से मिले, उन्होंने भी अपनी दुख गाथा बताई कि उनका 70 रॉ मार्क्स था भाई, फिर भी उन्हें मतलब कुछ प्रॉब्लम है रिजल्ट में, तो यही सब सीन हो रहा है। तो फिर चलो भाई लोग, आज का लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी अगले ऐसे लोग में। टिल देन गाइस बाय, और बताना कि ये लोग कैसा लगा। टिल देन गाइस राइड हार्ड राइड से।